लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े फैसले सुनाए। कई फैसले केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हुए। आइए देखते हैं एक एक करके देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 5 बड़े फैसले। पहला, देखिए सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मामला है। दरअसल दोस्तों अभी आपको बताऊंगा, एक दिन पहले ही सरकार ने PIB फैक्ट चेक यूनिट को IT नियमों के तहत अधिसूचित कर लिया था गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली, और इसकी अधिसूचना भी जारी की थी, राइट। लेकिन अब आज सुप्रीम कोर्ट ने PIB फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी और कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, केंद्र सरकार इस तरह की यूनिट नहीं बना सकती है। ये देखिए फैक्ट चेक यूनिट के खिलाफ कोर्ट में 3 दलीलें दी गई। दरअसल ये फैक्ट चेक यूनिट सरकार की एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो कि फैक्ट चेक के जरिए सरकार से जुड़ी खबरों का खंडन करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको आधिकारिक राइट्स देने के बाद आम आदमी की अभिव्यक्ति की आजादी छिन जाएगी, इसीलिए इस पर रोक लगा दी गई है। चलिए सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बड़े फैसले का नतीजा देखिए आप। आज भारतीय स्टेट बैंक SBI ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है और सुप्रीम कोर्ट को भी बताया, हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दे दिया, डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले ये जानकारी दी। दरअसल आपको बताऊंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SBI को कहा था कि 21 मार्च तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सारी जानकारी दे दें और इसके सीरियल नंबर वगैरह भी बताएं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि भारतीय स्टेट बैंक SBI के चेयरमैन ये हलफनामा दे कि हमने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस दबिस दबाव का प्रभाव देखा गया और आज SBI ने सारी डिटेल पब्लिक कर ही दी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने वाली भारत की टॉप 10 चुनावी पार्टियां कौन कौन सी हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर भाजपा है जिसने 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चंदा लिया, फिर तृणमूल और फिर कांग्रेस जिन्होंने 1600 और 1400 करोड़ का चंदा लिया। 2019 से लेकर 2024 तक, मतलब अभी पिछले 5 सालों में, मतलब पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे ना उसके बाद से लेकर अभी ये लोकसभा चुनाव तक टोटल 22,217 इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए और SBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पार्टियों ने 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश कराया। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस दबाव के बाद हमें काफी जानकारियां भी देखने को मिली। देखिए चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR ने 1368 करोड़ रुपए में चंदा दिया। मेगा इंजीनियरिंग ने 966 करोड़ रुपए का फंड दिया। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए। इस तरह से ये कंपनियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट का अगला बड़ा फैसला देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, अगर नए कानून पर रोक लगाए तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका आज गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा, ये डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट का अगला बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। सरकार CAA पर 3 सप्ताह में जवाब दें। 9 अप्रैल को अब इस मामले पर सुनवाई होगी। हाल ही में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश भर में नागरिकता संशोधन कानून जो लागू किया था ना CAA, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस CAA कानून पर 3 सप्ताह के अंदर अंदर जवाब दें। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि तब तक किसी को नागरिकता ना दी जाए। और अगला फैसला देखिए, पतंजलि विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव हाजिर हों, अगर जवाब नहीं दिया तो अवमानना का केस चलाया जाएगा पतंजलि पर। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी बाबा रामदेव को। और वहीं इलेक्शन के बीच दोस्तों चुनाव आयोग ने भी केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया और कहा कि विकसित भारत में से जो भेजा जा रहा लोगों को व्हाट्सएप पर, उसको रोका जाए। 4 राज्यों के 8 कलेक्टर और 8 SP का ट्रांसफर भी हुआ आज, जिसमें असम के मुख्यमंत्री के भाई भी शामिल है। ये व्हाट्सएप मैसेज जो आजकल लोगों को आ रहा है, इस पर रोक लगाने की अपील की है चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से। ना तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े कुछ बड़े फैसले, बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे आपका क्या कहना है इलेक्ट्रोल बॉन्ड वगैरह पर, आपकी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।